नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियाँ जमील अहमद। और आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर चेक्स की क्लियरेंस किस तरह होती है। तो ये सवाल हर एक के माइंड में होता है कि चेक क्लियर किस तरह होता है। एक बैंक का चेक होता है, वो उस बैंक में हम जमा करवाते तो अगली बैंक से वो किस तरह क्लियर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका SBI का चेक है, आप अलाइड बैंक में या किसी और बैंक में जमा करवाते हैं तो वो किस तरह क्लियर होके हो जाता है, ये प्रोसीजर कैसे होता है। तो ये कुछ सवाल हमारे जो कस्टमर्स हैं हमारे। Please subscribe my channel and press the bell icon button for new updates. जो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हैं, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ देखने वाले हैं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर रेज होता है कि ये चेक्स की क्लियरेंस होती क्या है। तो इस प्रोग्राम के अंदर चेक की क्लियरेंस का पूरा प्रोसीजर हम आपको बताएंगे कि चेक क्लियर किस तरह होता है, कौन कौन से मीडियम, कौन कौन सी पार्टीज़, कौन कौन सी बैंक्स इसके अंदर इंक्लूड होती हैं या अपना रोल प्ले करती हैं एक चेक की क्लियरेंस के हवाले से। तो चेक की क्लियरेंस के हवाले से बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि चेक क्या होता है। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर आप एड्रेस कर रहे होते हो बैंक को कि वो आपकी अमाउंट आपको दे दे या उस पर्संस को दे दे जिस पर्संस को आप ये चेक दे रहे हैं, चेक आप इशू कर रहे हैं। तो पर्सन जो उसको प्रेजेंट करता है वो चेक की पेमेंट ले सकता है, आइदर वो आप हैं या आइदर कोई वो पर्सन है जिसको आपने चेक इशू किया है। तो चेक्स के हवाले से, चेक एक इंस्ट्रूमेंट है, इक्विवेलेंट टू मनी तो नहीं हो सकता लेकिन एक मनी का अल्टरनेटिव है। जिस तरह एक नगद रकम आपके पास है तो इसी तरह ही उसका अल्टरनेटिव चेक है। आप चेक लेके बैंक में जाते हो, आपके अकाउंट में अमाउंट मौजूद है तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि चेक्स की क्लियरेंस किस तरह होती है, कितने टाइप की क्लियरेंस होती है और उसके साथ साथ चेक की क्लियरेंस के अंदर कौन कौन सी बैंक्स, कौन कौन से चैनल शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम चेक की क्लियरेंस की टाइप की बात कर लेते हैं। एक होती है चेक की इनवर्ड क्लियरेंस और दूसरी होती है आउटवर्ड क्लियरेंस। तो इनवर्ड क्लियरेंस जो है वो सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा ताकि अगर कोई बैंकिंग का स्टूडेंट भी है तो इसको समझ सके, अगर कोई कस्टमर है जिसको ये समझ नहीं आ रही किसी बैंक का तो वो भी ईजिली प्रॉपरली एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली इसको अंडरस्टैंड कर सके, वो जान सके ताकि ये सारे प्रोसेस का उसे आइडिया हो सके। तो इनवर्ड क्लियरेंस वो है जब आप किसी को चेक देते हो और वो आके आपकी बैंक के अंदर प्रेजेंट करता है चेक, तो देयर इज कॉल्ड इनवर्ड क्लियरेंस। और आउटवर्ड क्लियरेंस क्या होती है कि किसी और बैंक का पर्सन जो आपको चेक इशू करता है और वो अपनी बैंक में जाके प्रेजेंट करते हो तो वो आपकी बैंक के लिए इनवर्ड क्लियरेंस है। थोड़ी एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अलाइड बैंक के कस्टमर हैं और आपने HBL के कस्टमर को चेक दिया और HBL का कस्टमर आपके अलाइड बैंक की जो ब्रांच है उसके अंदर प्रेजेंट करता है तो दैट इज़ कॉल्ड इनवर्ड क्लियरेंस फॉर योर अलाइड बैंक। और आउटवर्ड क्लियरेंस क्या है, आउटवर्ड क्लियरेंस के अंदर आप क्या करते हैं, आउटवर्ड क्लियरेंस के अंदर आप अलाइड बैंक के कस्टमर हैं, अलाइड बैंक का चेक आप HBL के कस्टमर्स, HBL का कस्टमर आपको अलाइड बैंक का जो चेक है या आपको HBL का चेक देता है तो आप उसको HBL में जाके प्रेजेंट करते हो तो दैट इज़ योर आउटवर्ड क्लियरेंस। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि क्लियरेंस होते क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल होते हैं कि क्लियरेंस किस तरह हो जाती है, क्लियरेंस किस तरह पॉसिबल है, क्लियरेंस का प्रोसीजर क्या है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि एक तो होती है क्लियरेंस विद इन अ बैंक, एक आउटसाइड बैंक। तो विद इन अ बैंक, जैसे आप अलाइड बैंक का चेक है तो आप अलाइड बैंक के चेक को क्लियरेंस करवाते हो तो वो तो अलाइड बैंक का एक इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो कर लेते हैं। लेकिन बात तब आती है जब आपके पास HBL का चेक है, आप अलाइड बैंक की ब्रांच में जमा करवाते हो तो उस वक्त आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर आता है कि चेक क्लियर कैसे होगा, इस चेक के अंदर कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूड होगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक अदारा है, वो कॉल इट NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजी। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान के अंदर तमाम फैसिलिटेशंस बैंकों को प्रोवाइड करता है चेक की क्लियरेंस के हवाले से। तो NIFT के डिफरेंट ब्राइडर्स होते हैं, डिफरेंट उनके ऑफिसर्स होते हैं, वो डिफरेंट बैंक के अंदर डिफरेंट टाइमिंग के अंदर आते हैं, वहाँ से वो चेक को कलेक्ट करते हैं, दूसरी बैंक के अंदर प्रेजेंट करते हैं, दूसरी बैंक से क्लियर करने के बाद
फिर जो आपका बैंक है जहाँ पे आपने चेक लॉक करवाया फॉर क्लियरेंस के लिए, तो वहाँ जमा करवा देते हैं। तो इस सारे प्रोसीजर के अंदर आपका चेक क्लियर हो जाता है। तो निफ्ट की थोड़ी टाइमिंग भी आपको बता देते हैं। निफ्ट का राइडर बैंक में एक तो मॉर्निंग में आता है, दूसरा इवनिंग में आता है। मॉर्निंग में उसका टाइमिंग जो है बिफोर 10 होता है, और इवनिंग में उसका टाइम बिटवीन 3 and 4 PM होता है। तो निफ्ट का राइडर जैसे ही आपने SBL का चेक लाइव बैंक की किसी ब्रांच में दिया, तो वो उसको सिस्टम में लॉक कर देंगे चेक को फॉर क्लियरेंस, और जो आपको क्लियरेंस चार्जेस हैं उसके ज़रूर होंगे जो आपके अकाउंट से, उसी वक्त ही डेबिट हो जाएंगे जब आपका चेक क्लियरेंस के लिए डाला जाएगा। तो उसके बाद निफ्ट का राइडर आएगा, वो लाइव बैंक से चेक आपको कलेक्ट करेगा और इसको SBL में प्रेजेंट कर देगा। तो SBL के पर्सन देखेंगे कि इस पर्सन के अकाउंट में इतने पैसे हैं, चेक उसकी जो उसके सिग्नेचर है वो ठीक है। तो सारा कुछ ऑल द पर्टिकुलर चेक करने के बाद वो उसके ऊपर एक स्टंप लगा देंगे कि दिस चेक इज़ क्लियर। तो उसके बाद क्या होगा, वो उसी चेक को उठाएगा और लाइव बैंक में प्रेजेंट कर देगा। तो अब एक और जो सवाल है, पीपल्स आर मोर क्यूरियस अबाउट कि सारे प्रोसेस के अंदर अमाउंट तो किसी तरह कटी नहीं, तो किस तरह SBL अमाउंट उठा के लाइव बैंक में दे देगा, ये प्रोसेस होगा कैसे। तो ये एक अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे वो कौन सा अदारा है जो निफ्ट के अलावा फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है चेक की क्लियरेंस के हवाले से। वो स्टेट बैंक के अंदर एक क्लियरेंस हाउस है, तो तमाम बैंकों का जैसे कस्टोडियन है, तमाम बैंकों को फैसिलिटेट करता है स्टेट बैंक। वहाँ पे स्टेट बैंक ने एक स्टेट बैंक के अंदर क्लियरेंस हाउस भी बनाया हुआ, जहाँ पे डिफरेंट डेस्क हैं, जहाँ पे डिफरेंट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बैठे हैं। तो जितने भी चेक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अलाइव बैंक के अंदर SBL के 10 या 20 चेक आ रहे हैं, तो वो इस क्लियरेंस हाउस के लिए भेज देते हैं। क्लियरेंस हाउस का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है अलाइव बैंक का, वो साथ ही SBL के पर्सन जो बैठा हुआ उसको वो चेक प्रेजेंट करता है, और वहाँ से इतनी अमाउंट अलाइव बैंक से स्टेट बैंक SBL से अलाइव बैंक को क्रेडिट कर देता है। तो इसी तरह से ये प्रोसेस कम्प्लीट हो जाता है विदाउट एनी हैसलिंग के एक बैंक अपनी गाड़ी लेके पैसा दूसरी बैंक में दे के आए या दूसरी बैंक गाड़ी लेके पहली बैंक में दे जाए। तो जितनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस हो रही है, उतने उसके बेटर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा प्रॉम्प्ट हो रहे हैं, उसका रेजोल्यूशन और ज़्यादा बेटर वे में हो रहा है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम प्रायर बैंकिंग की बात करें, तो प्रायर बैंकिंग के अंदर क्या होता था कि चेक की क्लियरेंस के लिए जो कैश होता था वो एक बैंक उठा के दूसरी बैंक को भेज रहा है, उसके बाद जाके होता था। तो प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा एम्पल टाइम चाहिए होता था इसकी क्लियरेंस के लिए। तो अभी हम बात करें तो जो क्लियरेंस होती है, एक तो इंटर सिटी क्लियरेंस होती है और एक इंट्रा सिटी क्लियरेंस होती है और एक इंटर सिटी क्लियरेंस होती है। तो विद इन सिटी जो क्लियरेंस है वो 1 to 2 days में हो जाती है। अगर तो आप किसी बड़े शहर में रहते हैं जहाँ पे क्लियरेंस हाउस भी बना हुआ है, तो वहाँ पे तो विद इन अ डे हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अगर रिमोट एरियाज़ में हैं तो वहाँ पे शायद 1 to 2 days लग सकते हैं। जबकि इंटर सिटी की बात करें तो इंटर सिटी का जो चेक है वो 2 to 3 working days लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे निफ्ट के राइडर को पहुँचने में थोड़ी देर लगती है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जहाँ पर निफ्ट नहीं पहुँच सकता, जहाँ पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है या कुछ कोई और गवर्नमेंट के इंटरमीडिएट बैंक है, वो अपना रोल प्ले करते हैं उसकी क्लियरेंस के लिए। तो इस वजह से इस तरह के रिमोट एरियाज़ में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट जो इंटरसिटी का चेक है वो 3 working days में हर सूरत क्लियर हो जाता है, और जो इंट्रा सिटी या विद इन सिटी का चेक है वो 1 to 2 days में क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ये आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि चेक क्या होता है, चेक की क्लियरेंस क्या होती है, इनवर्ड और आउटवर्ड क्लियरेंस ऑफ चेक क्या होती है, और इंट्रा सिटी और इंटर सिटी चेक क्या होता है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और आपके लिए हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं, इसलिए बेल आइकन का बटन आप ज़रूर प्रेस करें और इसको दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।